नमस्कार, आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 8, शरीर में गति, भाग 2। हम शरीर के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, विभिन्न संधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अचल संधि के बारे में। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न होती है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधियाँ कहते हैं। कि जो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट बीच में से जॉइंट नहीं होते और हिल नहीं सकते, तो उनको अचल संधियाँ कहते हैं। जैसे कि हाथ और पाँव की जो संधियाँ होती है, बीच में जो जॉइंट होते हैं, उनके द्वारा हम हाथों को मोड़ सकते हैं, पाँव को मोड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, घुटनों को मोड़ सकते हैं, तो उनको चल संधियाँ कहते हैं। लेकिन जिन बॉडी पार्ट को हम बीच में से मोड़ नहीं पाते, उनको अचल संधियाँ कहते हैं। जब आप अपना मुँह खोलते हैं, तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। हम ये करके देख सकते हैं कि जब हम अपना मुंह खोलें, बार बार कुछ भी अगर हम बोलते हैं, तो जो हमारा निचला जबड़ा है वह हिलता है, लेकिन जो ऊपर वाला जबड़ा है वह हिल नहीं पाता। क्या आप इसे गति दे सकते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि हैं जो हिल नहीं सकती। तो हम यह बोल सकते हैं कि जिन संधियों में गति नहीं होती है वह अचल संधि होती है, और जिन संधियों में गति होती है वह चल संधि होती है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं, चाहे हम ड्राइंग करके बनाएं, चाहे हम छोटी सी मिट्टी की गुड़िया बनाएं, तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए हम उसका पहले ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, तो हम उसके शरीर का पहले ढांचा तैयार करते हैं। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमारे शरीर की जो सभी अस्थियाँ होती हैं वो ठीक इसी प्रकार के शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। तो इस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। जो कंकाल तंत्र होता है वो हड्डियों का बना हुआ होता है। हड्डियों के ढांचे के ऊपर ही हमारे जो शरीर का सारा मांस चढ़ा हुआ होता है, और उसी से हमारे शरीर को आकृति मिलती है। हम देख सकते हैं कि जो हमारे मुंह के दांत होते हैं उसके द्वारा मुख की सुंदरता बनी हुई रहती है। अगर यही दांत टूट जाए तो जो हमारे जबड़े हैं, जो जबड़े के ऊपर का जो मांस है गाल का, वो अंदर की साइड में चला जाता है। तो ये जो सारी हड्डियां वगैरह हैं ये शरीर को आकृति प्रदान करती है। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हाथ को दबा के देखा जाता है तो उसमें कुछ न कुछ हमें महसूस होता है कि जो हमारे हाथ में है वह कोई कठोर चीज़ अंदर की तरफ है, पर यह चीज़ हम एक्सरे में अच्छी तरीके से देख पाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यह एक कंकाल तंत्र का चित्र बना हुआ है। तो यह हमारे शरीर को यही कंकाल ढांचा प्रदान करता है, और इसके ऊपर फिर मांसल परत चढ़ी हुई होती है। तो एक्सरे के चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं कि कई बार हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल में, वहाँ पर अगर हमारे हड्डी की टूट फूट हो जाती है तो उसी दौरान डॉक्टर एक्सरे करके देते हैं। तो उसी एक्सरे में यह हड्डियों का चित्र अंकित होकर के आता है। तो उसी के द्वारा हम हड्डियों को देख सकते हैं, वरना सामान्यतः हम हड्डियों को यूँ देख नहीं सकते, उन्हें सिर्फ हाथों को छू करके, पाँव को, गालों को छू करके उनका अनुभव कर सकते हैं और एक्सरे में वह देख पाते हैं। तो हमारा जो सारा शरीर है वो हड्डियों के ढांचे पर निर्मित होता है। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप इन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? हम देखते हैं कि हमारे हाथों की उंगलियों में संधियाँ होती हैं, तो इन संधियों के स्थान पर हम उसको मोड़ सकते हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियाँ हैं
अपनी हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली हैं? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। हमारा हाथ छोटी छोटी संधियों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसीलिए हम जो है किसी भी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं, हाथों को उंगलियों को मोड़ सकते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी अस्थियों को जिनसे ये मिलकर के हाथ बना हुआ होता है उन्हें कार्पेल कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अंगुलियों की जो अस्थियां हैं, जैसे हड्डियां हैं, वो विभिन्न, देखो उनमें छोटे 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 जॉइंट है अलग अलग तरीके के, जैसे कि हमें दिख रहे हैं। तो इन्हीं जॉइंट की सहायता से हम अंगुलियों को आसानी से मोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है, हम चाहे तो इसे कर सकते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। हम गहरी सांस लेंगे, उसके बाद हम अपने पीठ को हल्के से दबा के देखते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, पतली पतली पिंजरे के समान। जितनी पसलियाँ को आप गिन सकते हैं उनको गिनिए। चित्र 8.10 को, जैसे कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। यह हमारे वक्ष स्थल का, या फिर हम बोल सकते हैं पीठ का पिंजरा होता है। तो यह हड्डियाँ पाई जाती है, और इन्हीं हड्डियों की वजह से, इस हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले हमारे शरीर के अंग जैसे फेफड़े, हृदय आदि को सुरक्षा मिलती है बाह्य आघातों से। कई बार हम गिर जाते हैं, तो मान लो हमें चोट लगी है, तो सीधे वह चोट फेफड़ों पे या हृदय पे ना लगे, उससे बचाने के लिए यह पिंजरा उनकी रक्षा करता है। क्योंकि जो हृदय होता है, जो फेफड़े होते हैं, वो मांसल होते हैं, तो कोई भी चोट उन पे फटाफट से लग जाती है। तो सामान्यतः उससे सुरक्षा के लिए यह पिंजरा पाया जाता है। तो हम इस चित्र को देखते हैं, वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि यही पिंजरा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करता है और हमारे शरीर को सुंदर ढांचा भी प्रदान करता है। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। तो ये पसलियाँ किससे जुड़ी हुई होती हैं? मेरुदंड से। देखिए इस चित्र के पीछे की साइड में एक मेरुदंड दिख रहा है, रीढ़ की हड्डी दिख रही है। तो ये पसलियाँ इससे जुड़ी हुई रहती हैं, रीढ़ की हड्डी से। तो इससे जुड़कर के एक बक्से की रचना का निर्माण करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। यह एक पिंजरे जैसा होता है दिखने में, इसलिए इसको पसलियों से बना हुआ पिंजरा पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे कि फेफड़ा और हृदय। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए, कि बिना घुटनों को मोड़े पाँव की अंगुलियों को छू कर के देखे, क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर ले जाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। हम देखते हैं कि जो हम अपने मित्र की पीठ को अगर छू कर के देखते हैं, तो कमर के साइड में मेरुदंड पाया जाता है, कमर के बीच में। तो अगर हम उसको छू कर के देखते हैं, तो हमें एक अनुभव होता है कि बीच में कोई एक लंबे डंडे के समान संरचना है, तो वही संरचना मेरुदंड कहलाती है। जो ये मेरुदंड है, अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बने हुए होता है, जिसे कशेरुकाएँ कहते हैं। चित्र में जैसे दिखाया गया है कि यह एक डंडे के समान संरचना होती है, और इसके ऊपर छोटी 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 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं हड्डियों को कशेरुकाएँ कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना हुआ होता है। जो ये छोटी छोटी हड्डियाँ दिख रही है, इस पे ये 33 होती है। पसली पिंजरे भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम कंधे की अस्थियों के बारे में अध्ययन करेंगे, कि आपको
अपने कंधों के समीप जब हम अपने हाथों के जो कंधे हैं उनको छू करके देखते हैं तो उनके समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं। इन्हीं अस्थियों को कंधे की अस्थियां कहते हैं। हमारी जो खोपड़ी होती है वह अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे मानव खोपड़ी का एक चित्र दिखाया हुआ होता है, तो इसमें जो है हड्डियाँ जुड़ कर के इस खोपड़ी का निर्माण करती है। हम भी देखते हैं कि जो मस्तिष्क की जो ये खोपड़ी होती है यह बहुत ही मजबूत होती है। अगर लग भी जाए तो यह बाहरी के आघातों से, जो बाहरी आघात होते हैं, बाहरी चोटें होती हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। क्योंकि जो हमारा जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारे शरीर की जो सारी सूचनाएं होती हैं वह मस्तिष्क तक ही जाती है और वापस मस्तिष्क से ही उन सूचनाओं को आदेश मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है खोपड़ी और दिमाग। तो यह जो खोपड़ी है बाह्य आघातों से हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। जैसे कि कुछ भी मान लो हमें अपने हाथ से ग्लास को उठाना है, फिर उसको अगर वापस रखना है, मान लो कहीं पे कुछ अगर शोर हो रहा है, किसी भी जंतु की आवाज़ आ रही है, तो हम उसकी तरफ देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो देखने, सुनने, सूंघने, चलने, फिरने, घूमने, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह मानव के मस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल में की जाती हैं। तो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण जो बॉडी पार्ट होता है वह मस्तिष्क होता है। तो इसके लिए यह इस खोपड़ी में सुरक्षित रहता है और यह सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की, जिसको अगर हम जलाएं तो भी आसानी से जल भी नहीं पाती है। तो ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती हैं। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में पढ़ा है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त और भी अंग होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। हड्डियों को आसानी से मोड़ नहीं सकते क्योंकि हड्डियों के बीच में अगर जॉइंट होते हैं तो जॉइंट पे ही हम उसको आसानी से मोड़ सकते हैं। अगर जॉइंट नहीं है हड्डी के बीच में तो हम उसको आसानी से मोड़ नहीं सकते। तो कुछ ऐसी हड्डियाँ भी होती है जो कठोर नहीं होती और उसे मोड़ा भी जा सकता है, तो ऐसी हड्डियों को उपास्थि कहते हैं। हम अपने कान को स्पर्श करते हैं तो देखते हैं, क्या आप अपनी किसी कठोर अस्थि के भाग को अनुभव करते हैं जिसे आसानी से मोड़ा जा सके? हम देखते हैं कि कान को अगर हम पकड़ के मोड़ने का प्रयास करें तो इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो यह एक उपास्थि है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सबसे पहले है, अचल संधि किसे कहते हैं? दूसरा है, उपास्थि किसे कहते हैं? तीसरा है, हाथ की अस्थियों का चित्र बनाइए। धन्यवाद।